कितनी उम्मीद है आपको कि आपकी बात सुनी जाएगी? हम लोग एक शिक्षक है, एक प्रोफेसर है, और हम लोग कोई इधर उधर से नहीं, हम लोग IIT और NIT से पास आउट जो भी फैकल्टी यहाँ पे आए हुए हैं। कॉलेज की हालत ये है कि कॉलेज में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लैब है, जो फैसिलिटी हम लोग डेवलप किए हैं, तो वहाँ शिक्षक ही नहीं बचेंगे तो आप समझ सकती हैं कि किस लेवल की प्रॉब्लम जो है वो होंगी वहाँ पे। आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से आए हुए? मेरा नाम जन्मेजय कुमार है एंड मैं बिहार से भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से आया हूँ। क्या आपकी मांगे हैं? जिस तरह से देखिए हमारे देश में कहा जाता है कि अच्छी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है और कहा जाता है कि अच्छी शिक्षा बच्चों को दी जाए, लेकिन जब आप उसमें सहयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ही अब उस इस कगार पर आ गए हैं कि आप ही बेरोजगारी होने वाले हैं। इसी के मांग के लेकर के आए हैं, अच्छे शिक्षा हो, इसीलिए भारत सरकार ने ये प्रोजेक्ट लाया था कि जो विकसित राज्य नहीं है, जहाँ पे इनकम कम है, वहाँ के बच्चों का अच्छा भविष्य हो, अच्छा उनका लैब का सेटअप हो, इसके लिए वही वो प्रोजेक्ट लाए हैं और वही प्रोजेक्ट को आगे एक्सटेंशन के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बिल्कुल, कितनी उम्मीद है आपको कि आपकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि जैसा कि आप लोग बता रहे 31 मार्च तक का ही आपको समय है आपके पास और बीच में होली का त्यौहार भी है। मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देश की बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ पे नौकरी मांगने नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ नौकरी बचाने आए हैं, और हम लोग वो इंसान हैं कि जो हम इस देश के नए पीढ़ी को बनाते हैं। हम लोग एक शिक्षक है, एक प्रोफेसर हैं, और हम लोग कोई इधर उधर से नहीं, हम लोग IIT और NIT से पास आउट जो भी फैकल्टी यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये हमारे देश के जो भी IIT और NIT जैसे इंस्टीट्यूट पे एक उंगली उठाने वाली बात हो गई कि वहाँ की पढ़ाई किए हुए फैकल्टी को आप जॉबलेस करने जा रहे हो। तो जहाँ तक हमें लग रहा है कि सरकार से हमें आश्वासन मिला है, और ये सरकार जाहिर सी बात है बहुत सुनी है, बहुत अच्छी दिशा में काम करी और हमारी बात भी ज़रूर सुनेंगी, तो मैं यहीं और हमारे साथी जो भी यहाँ पे आए हैं, करीब 500 के संख्या में हम लोग आए हैं पूरे भारत से, और मैं बिहार के रहने वाला हूँ, तो हम लोग ज़रूर यहीं आशा बैठा के बैठे हुए हैं कि हमारी बात सरकार मानेंगी। कहाँ से आप आए हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोविंद कुमार झा है, मैं सहायक प्राध्यापक भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर में कार्यरत हूँ। क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मांगे यही है मैम कि हम लोग पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं और अभी 31 मार्च को हमारी जॉब जो है वो एंड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रही है, और जो MOU था स्टेट और सेंटर का, वो MOU अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जिस वजह से हम लोग परेशान हैं। और हम ही लोग परेशान नहीं हैं, कॉलेज की हालत ये है कि कॉलेज में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लैब है, जो फैसिलिटी हम लोग डेवलप किए हैं, तो वहाँ शिक्षक ही नहीं बचेंगे तो आप समझ सकती हैं कि किस लेवल की प्रॉब्लम जो है वो होंगी वहाँ पे। बिल्कुल, देखिए मैं एक सवाल ये करना चाहूँगी कि जब भी जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ होगा, आपको बहुत उम्मीद जगी होगी और नए सपने जो हैं वो दिखाए गए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब उम्मीद टूटती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि 31 तारीख तक का आपके पास समय है। कितनी उम्मीद है अब सरकार आपकी बात जो है वो सुनेगी? मैम, उम्मीद तो है, लेकिन वही है, अभी तक हम लोगों को बस केवल आश्वासन दिया गया है कि आप लोगों का होगा एक्सटेंशन, लेकिन एक्सटेंशन जो है वो हमारे समस्या का समाधान नहीं है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि लर्निंग जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो ये लॉन्ग टर्म इसका सॉल्यूशन चाहिए, उसके लिए हम लोग आए हैं कि 6 महीने का या साल भर का एक्सटेंशन दे देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। जितने भी रूरल में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, उस कॉलेजेस की हालत बहुत ख़राब थी, तो ये टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम जो आया, इसके तहत बहुत सारे शिक्षक आए, बहुत सारे लैब डेवलप हुए, जहाँ पर आप समझ सकती हैं कि इंटरनेट की भी व्यवस्था नहीं होती थी वहाँ पे, उस जगह पे हम लोगों ने लीज लाइन कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश किया है। आज के टाइम में बच्चे वहाँ पे अनइंटरप्टेड इंटरनेट लीज लाइन जो है वो 100 Mbps, 1 Gbps वो फैसिलिटी मिल रही है, और भी लैब में बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो लगाए गए हैं, रिसर्च से रिलेटेड वर्क हो रहा है, बच्चे अच्छे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब 31 मार्च के आगे जो है इसमें अभी तक कुछ चीज़ें क्लियर जो है वो नहीं हुई है, टाइम बहुत कम बचे हैं। इस वजह से हम सभी लोग यहाँ पे आए हैं इस उम्मीद के साथ कि गवर्नमेंट हम लोगों को जरूर आगे का कुछ अच्छा सॉल्यूशन देंगे। बिल्कुल, देखिए हमारे देश में शिक्षा को एक बहुत तवज्जो दिया जाता, कहा जाता है अच्छी शिक्षा पे बहुत जोर दिया जाता है, और जब आप लोग इसमें सहयोग भी कर रहे हैं फिर आप लोग परेशान हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से उम्मीद करेंगे कि हमारा एक्सटेंशन किया जाएगा।
लेकिन 31 तारीख तक का समय है, बीच में होली के भी 2 दिन पड़ जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2 दिन का समय ही आपके पास बचेगा, कितनी उम्मीद है? सरकार ने आश्वासन दिया है, हम लोग उसी इंतजार में बैठे हैं, जैसे हमें आता है लेटर हम लोग वापस चले जाएंगे।